नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 12 की। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि सेक्शन 12 अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेक्शन इन द एंटायर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। राइट, सो लेट अस सी दी सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आई एम यूजिंग माय बेयर एक्ट। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल रूल ये है कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर नहीं करेगा, ये जनरल रूल है। और एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन की जो इस जनरल रूल की जो एक्सेप्शंस हैं वो इस सेक्शन में दी गई है। तो वो क्या क्या जनरल रूल की एक्सेप्शंस हैं? तो वो क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 में दी गई है। तो अब हम सबसे पहले क्लॉज 2 देखते हैं। Where a party to contract is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed by only a small proportion to the whole in value and admits compensation in money, the court may, at the suit of either party, direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें जो पार्ट आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अब यहां देखिए इसमें कीवर्ड है स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द होल इन वैल्यू, यानी कि जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है आप लगभग अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके हैं, अपने पार्ट परफॉर्म कर चुके हैं, बट कोई छोटा पार्ट है जो आप किसी कारण से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको किसी को कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, आपको मान लीजिए कोई यू नो ऑयल, राइस, वीट, वॉट एवर यू हैव टू सप्लाई, सो यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड अनदर पर्सन टू सप्लाई गुड। आपने किसी को गेहूं सप्लाई करने का, वीट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर 500 kg, एंड यू आर एबल टू सप्लाई ओनली 480 kg, एंड यू आर नॉट इन पोजिशन टू सप्लाई 20 kg, सो इन दैट केस 20 kg इज अ स्मॉल पोर्शन। राइट, सो इन दिस केस सूट कैन बी फाइल्ड बाय आइदर पार्टी, राइट, एंड डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड, और जो बाकी 20 किलो आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आप मनी कंपनसेशन देने को तैयार हो। राइट, सो ये है क्लॉज 2। अब हम इस सेक्शन के सबसे कॉम्प्लेक्स सबसेक्शन पे आते हैं, विच इज क्लॉज 3। वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड either form a considerable part of whole, though admitting of compensation in money। अब यहाँ देखिए जो ए क्लॉज में जो दिया हुआ है 3 के ए में, वो ये कहता है कि considerable part of contract अब आप नहीं कर पा रहे। जो हमने एग्जाम्पल लिया था पहले 500 kg सप्लाई करने में, अब आप 20 kg सप्लाई कर पा रहे हैं और 480 kg यू आर नॉट इन पोजिशन टू सप्लाई। तो इसमें दो केस हैं, दो एडमिटिंग कंपनसेशन इन मनी एंड डज नॉट एडमिट कंपनसेशन इन मनी, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये पार्टी जो डिफॉल्ट कर रही है, ये जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं ले सकती, बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, यानी जो दूसरी पार्टी है वो मुकदमा डाल सकती है, डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म। अब जो तू कर सकता है कर दे, जो पार्ट परफॉर्म कर सकता है वो पार्ट आप परफॉर्म कर दो,
राइट, इन केस ऑफ यू नो ए क्लॉज ए पेज और हैज एग्रीड टू पे कंसिडरेशन फॉर होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस द कंसिडरेशन फॉर द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड। यानी कि 20 किलो का तू पैसा ले ले और बाकी जो पैसा है वो वापस कर दे, राइट। सो मतलब 20 किलो का एग्रीमेंट हो जाए, राइट। और उसका जो है जो क्लॉज बी है, पेज और हैज पेड द कंसिडरेशन फॉर होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी अबेटमेंट, या वो चाहे तो पूरे जो उसने कंसिडरेशन दी है उसके अगेंस्ट वो उस सप्लाई के एग्री हो जाए। इन आइदर केस, दोनों केसों में जो प्लेंटिफ है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री वो तभी ले सकता है व्हेन ही रिलिंक्विशेस ऑल हिज क्लेम्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो नॉन परफॉर्मेंस से उसका नुकसान हो रहा है वो उसको तभी मिलेगी डिग्री जब वो अपने राइट रिलिंक्विश करेगा डैमेज के और कंपनसेशन के विच इज सस्टेन्ड थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ डिफेंडेंट। जब वो इन सब चीज़ों को छोड़ेगा तो ही वो यू नो तो ही वो कोर्ट से कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। नाउ लेट अस सी क्लॉज फोर। क्लॉज फोर सेज व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड स्टैंड ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट व्हिच cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part. So suppose आप किसी से contract करते हैं that you would supply rice and wheat to the other party, but now you are not in position to supply wheat but you are in position to supply rice, so you can perform that part of contract which you are in position to do, and they are independent because they are they are two separate things, so is per contract ko hum perform kara sakte hain jo aap perform karne ki position mein hai। to dosto main ummeed karunga ki ye video aapke liye useful hogi। agar aapko ye video acha lage to is video ko please like kijiye। agar aapko koi question ho section 12 of specific relief act se related तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।